हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम इंडियन ज्योग्राफिया रिलेटेड जो हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू की हुई है उसका आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग प्लेस हैज़ नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ सन। तो वो कौन सी जगह है जहाँ वर्टिकल रेज ऑफ सन कभी भी नहीं पड़ती हैं? तो वो है श्रीनगर। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द वेस्टर्न हिमालयाज। सो वेस्टर्न हिमालया से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट्स दी हैं, इसमें बताना है कि इसमें कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। लाई टू द वेस्ट ऑफ 80 degrees ईस्ट लॉन्गिट्यूड बिटवीन इंडस एंड काली लिवर, तो ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। देन वेजिटेशन कंसिस्ट मैनली ऑफ एल्पाइन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। सो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं रिलेटेड टू द वेस्टर्न हिमालयाज। तो ऑप्शन में देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन। सो कौन सी दो कंट्रीज को रेड क्लिफ लाइन डिवाइड करती है? सो इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन जो बाउंड्री लाइन है तो उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय ड्यूरेंट लाइन्स। सो कौन सी कंट्रीज को ड्यूरेंट लाइन डिवाइड करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बिटवीन जो बाउंड्री लाइन है उसको बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। वेयर इज इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। सो इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री ये कहाँ है? तो इट इज़ इन अंटार्कटिका। विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स टच द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। सो कौन सी स्टेट है जो बहुत सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज को टच करती है? सो वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 9 स्टेट्स की बाउंड्रीज को टच करती है। आप इनको नोट कर सकें 9 स्टेट्स को, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड ये तो हो गई 9 स्टेट्स। और उसके अलावा एक कंट्री नेपाल को भी टच करती है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ईस्टर्न हिमालयाज। अभी हमने वेस्टर्न हिमालयाज से रिलेटेड पर स्टेटमेंट्स देखी थी, अब यहाँ ईस्टर्न हिमालयाज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो इनमें बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। एक तो लाई एट द ईस्ट 88 degrees ईस्ट लॉन्गिट्यूड बिटवीन द टीस्टा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। देन लार्ज ट्रैक्स आर कवर्ड विद डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बोथ 1 and 2, तो ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वेयर इज डंकन पास लोकेटेड। इट्स लोकेटेड इन साउथ एंड लिटिल अंडमान। विच आर द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड एज द ट्विन सिटीज। ट्विन सिटीज किनको कहा जाता है? हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को। विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाई मैकमोहन लाइन। सो दो कंट्रीज को मैकमोहन लाइन डिवाइड करती है? सो ये करती है इंडिया एंड चाइना को। नेक्स्ट विच इज़ द हाइस्ट डैम इन इंडिया। तहरी डैम, इट इज़ द हाइस्ट डैम इन इंडिया। विच आर द फॉलोइंग कोस्ट वेयर गल्फ ऑफ मैनार इज लोकेटेड। सो गल्फ ऑफ मैनार ये कहाँ लोकेटेड? इन तमिलनाडु। नाउ अब स्टेटमेंट्स दी हुई हैं स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट एन्जॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये भी करेक्ट है। दिस इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर वॉल्केनो इज लोकेटेड, सो ये भी करेक्ट है। देन दिस इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल ब्रीड इज फाउंड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इसकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया। उनको कहा जाता है कार्डेमम हिल्स, जो सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस हैं इंडिया की। विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ सह्याद्री। सो ट्रेडिशनल नेम सह्याद्री का क्या है? वेस्टर्न घाट। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। सो ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट यहाँ लो रेनफॉल के रीजन्स क्या हैं? सो दे आर लीवर्ड लोकेशन। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर लाइन टेल्ड मैसॉक।
वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, दे आर फेमस फॉर लाइन टेल मेसॉक. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग पियर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? मीरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश, ये करेक्ट है. मिकिर हिल्स इन आसाम, देन लुशा हिल मिजोरम, ये भी करेक्ट है. देन एबोर हिल्स इन मेघालय, तो ये करेक्ट नहीं है. बाकी ये तीन पियर्स करेक्ट हैं, ये आप याद कर लें, नोट कर लें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर रिलेटेड टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया से रिलेटेड अब यहाँ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, देखना है कौन सी करेक्ट है. इट हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ये करेक्ट है. अल्टरिंग सीजन इज द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर रिलेटेड टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट को इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये देखते हैं. लैटिट्यूड ये भी अफेक्ट करता है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये दोनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को. सो बोथ वन एंड टू. विच आर द फॉलोइंग इज डिफाइंड द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, सो हिमालयन माउंटेन रेंज इज द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया. विच आर द फॉलोइंग इज द हाइस्ट पॉइंट इन इंडिया, कंचनजंगा, इट इज द हाइस्ट पॉइंट इन इंडिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताना है कि कौन सी करेक्ट है. ए ग्रेट आर्क ऑफ माउंटेन्स कंसिस्टिंग ऑफ हिमालयाज ऑफ नेपाल, हिंदू कुश, पटकाई रेंजेस डिफाइन द नॉर्दर्न इंडियन सब कंटिनेंट, तो ये भी करेक्ट है. द माउंटेन्स इन दीज रेंजेस इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन्स, तो वर्ल्ड के कुछ टॉलेस्ट माउंटेन्स वो इन्हीं माउंटेन्स में है. विच एक्ट एज द नेचुरल बैरियर टू द कोल्ड पोलर विंड्स, सो दोनों ऑप्शन ये करेक्ट हैं. विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इन द जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर साफरान कल्टिवेशन, साफरान कल्टिवेशन के लिए कौन सी जगह फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो है पामपुर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू विंध्या रेंज, विंध्या रेंज से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट्स है, तो बताना है कौन सी करेक्ट है. ज्योग्राफिकली सेपरेट्स नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम साउदर्न इंडिया, सो विंध्या रेंज सेपरेट करती है नॉर्दर्न इंडिया को साउदर्न इंडिया से, ये करेक्ट है. द वेस्टर्न एंड ऑफ द रेंज लाइज इन द ईस्टर्न घाट, तो इसका जो वेस्टर्न एंड है ये ईस्टर्न घाट में है, नियर इट्स बॉर्डर विद मध्य प्रदेश एंड रनज ईस्ट एंड नॉर्थ ऑलमोस्ट मीटिंग द गैंग्स एट मिर्ज़ापुर, तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू द डेकन प्लेटो, सो डेकन प्लेटो से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या क्या हैं. इट इज़ द लार्ज ट्राइंगुलर प्लेटो बाउंडेड बाय द विंध्याज टू द नॉर्थ, फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. इट्स स्लोप्स जेंटली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट को जाती है, एंड गिव राइज टू द सेवरल पेनिनसुलर रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, विच ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू छोटा नागपुर प्लेटो, इट इज़ सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया कवरिंग मच ऑफ द झारखंड एडजेसेंट पोर्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है रेट टू छोटा नागपुर प्लेटो, ये आप नोट कर लें. द नेचुरल वेजिटेशन इज मोर ऑफ द पेनिनसुला इन जेरिक स्क्रब पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट इको रीजन, सो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं रिलेटेड टू द छोटा नागपुर प्लेटो. सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने क्वेश्चंस ये इस तरीके से बनाए हैं ताकि इसमें आप क्वेश्चंस के अंदर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके. सो आपको इसमें प्रैक्टिस भी हो जाए और क्वेश्चंस के अंदर ही आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके. अब स्टेटमेंट है रिलेटेड टू सतपुरा रेंज, तो सतपुरा रेंज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स क्या है. इट बिगिंस इन ईस्टर्न घाट गुजरात नियर द अरेबियन सी कोस्ट एंड रनज ईस्ट अक्रॉस महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, तो बिल्कुल करेक्ट है ये सतपुड़ा रेंज से रिलेटेड. इट इज़ अ ट्राइंगुलर इन शेप देन विद इट्स अपेक्स एट रत्नापुरी एंड टू साइड्स बीइंग पैरेलल टू ताप्ती एंड नर्मदा रिवर्स, तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट से आप नोट कर लें रिलेटेड टू सतपुड़ा रेंज. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू
अरावली रेंज से रिलेटेड स्टेटमेंट इसमें आपको बतानी है कौन सी है। इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया रनिंग अक्रॉस राजस्थान फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ डायरेक्शन एक्सटेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर। तो ये गलत स्टेटमेंट है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप नोट कर लें। ये नॉर्दर्न एंड ऑफ रेंज कंटिन्यूज एज आइसोलेटेड हिली रॉकी रिजेस इनटू हरियाणा एंड एंडिंग नियर दिल्ली। नेक्स्ट वेस्टर्न घाटर सह्याद्री माउंटेन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, तो देख लें कौन सी करेक्ट है। एक तो इट रन्स अलॉन्ग द वेस्टर्न एज ऑफ इंडियाज डेक्कन प्लेटो, ये भी करेक्ट है। सेपरेट इट फ्रॉम द नैरो कोस्टल प्लेन अलॉन्ग द अरेबियन सी। देन द रेंज रन्स अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ द ताप्ती रिवर नियर गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर एंड अक्रॉस महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु टू द सदर्न टिप ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला। तो ये करेक्ट ऑप्शन है दोनों। नेक्स्ट अब इंडो गैंगेटिक प्लेन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। इट रन्स पैरेलल टू हिमालयस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू द आसाम इन द वेस्ट इन द ईस्ट। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ये इस तरीके से मैप में यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है और इस साइड आसाम है, तो इस डायरेक्शन में ये रन करते हैं। एंड ड्रेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, तो ये भी करेक्ट है। द मेजर रिवर इन दिस रीजन आर गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर मेन ट्रिब्यूटरीज यमुना चंबल गोमती घाघरा कोसी सतलुज रावि ब्यास चिनाब एंड तीस्ता। तो दोनों करेक्ट ऑप्शन है। ये तमाम रिवर्स इंडो गैंगेटिक प्लान्स में ही फ्लो करते हैं। सो दोनों बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टेटमेंट रिलेटेड टू थार डिजर्ट, तो थार डिजर्ट क्या है। द डिजर्ट कंटिन्यूज इन टू पाकिस्तान एज द चोलिस्तान डिजर्ट, तो ये भी करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द थार डिजर्ट इज सिचुएट इन राजस्थान कवरिंग 61% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। तो राजस्थान का जो 61% ज्योग्राफिकल एरिया है वो थार डिजर्ट कवर करता है, तो ये भी करेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट रिलेटेड टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इट इज अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये एक वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड है लाइंग बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द ओशन बाउंड्री ऑफ इंडिया। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम तमिलनाडु से स्ट्रेच करती है इन द साउथ टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, तो ये करेक्ट है। देन द रीजन रिसीव्स बोथ द नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ ईस्ट मानसून रेंज, तो ये दोनों मानसून रेंज रिसीव करती है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर रिलेटेड टू वाटर प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स, रंजीत सागर इज ऑन रिवर ब्यास, तो ये गलत है। देन हरकुंड डैम इज ऑन रिवर दामोदर, ये भी इनकरेक्ट है। रिजर्वायर गांधी सागर इट इज़ ऑन रावी रिवर चंबल, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ आपके लिए एक असाइनमेंट है, जो भी यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन है इनकी आपने खुद रिसर्च करें और इनका आप करेक्ट जो इनके ऑप्शन बनते हैं वो आप नोट कर लें कि रंजीत सागर डैम कहाँ पे है, हरकुंड डैम कहाँ पे, या आप सर्च करके बुक्स में देख लें या गूगल में सर्च करके देख लें, उनको नोट कर लें। नेक्स्ट कोल्ड वेदर सीजन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। द कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट्स इन अक्टूबर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। स्टार्ट्स लाइक स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा राजस्थान बीइंग अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंस कंटिन्यूअल क्लाइमेट, तो ये कंटिनेंटल क्लाइमेट, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट ये स्टेटमेंट है रिलेटेड टू जेट स्ट्रीम्स, तो इसमें बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। जेट स्ट्रीम क्या है, ये एयर करंट है इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नॉन एज जेट स्ट्रीम। सो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में जो एयर करंट्स हैं उनको जेट स्ट्रीम कहते हैं। कुड डिटरमाइन द अराइवल ऑफ मानसून एंड डिपार्चर ऑफ द मानसून, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। द मेजर जेट स्ट्रीम्स ऑन अर्थ आर ईस्टर्ली विंड्स, तो ये गलत है। सो ए ऑप्शन ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आप नोट कर लें जेट स्ट्रीम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम विंटर डिस्टर्बेंसेज, सो इंडिया का कौन सा पार्ट विंटर डिस्टर्बेंसेज की वजह से वहाँ रेनफॉल होता है, तो ये होता है पंजाब में होता है रेनफॉल ड्यू टू द विंटर डिस्टर्बेंसेज। नेक्स्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग रीजन फॉर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा रीजन है। सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स। नेक्स्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर
एशियाटिक विंड वाइल्ड आस, एशियाटिक वाइल्ड आस इसके लिए कौन सा रीजन फेमस है, तो रैन ऑफ कच्छ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिल स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, सो हाइट के बेसिस पर जो करेक्ट ऑर्डर बनता है तो वो कौन सा है, श्रीनगर, दार्जिलिंग, शिमला एंड लेह। विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसका है, तो ये है गुजरात का, गुजरात में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पेयर माउंटेन रेंजेस एंड देयर लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सो यहाँ माउंटेन रेंजेस दी हैं और उनके लोकेशन है तो इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो जांस्कर रेंज ये है जम्मू एंड कश्मीर में, सो यहाँ तो कश्मीर दिया, अब तो ये लद्दाख में है। देन धौलाधार रेंज ये हिमाचल प्रदेश में है तो ये भी करेक्ट है। सिंगालीला रेंज अरुणाचल प्रदेश में है तो ये गलत ऑप्शन है। एंड कोंकुम रेंज ये है उत्तराखंड में। लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग हिमालयन माउंटेन रेंजेस वेयर द कश्मीर वैली लाई, सो कश्मीर वैली कौन से हिमालयन रेंज में पड़ती है, सो इट लाइज जांस्कर एंड पीर पंजाल रेंज। सो इट्स द एंड ऑफ दिस सेकंड पार्ट ऑफ एमसीक्यूज ऑन इंडियन ज्योग्राफी, सो इंडियन ज्योग्राफी का ये सेकंड पार्ट आज कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पे शेयर भी करें। सो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।